गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एमबी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आसमा समधानी मैम, डॉक्टर रंजीत आर्या सर और हमारे सभी रेस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो सबसे पहले एक छोटी सी हमारे जो पेड सेशंस हैं वो चल रहे हैं, उसमें हमारा वेबिनार्स भी रहता है और हमारा बेसिक भी अभी एक स्टार्ट हुआ है। तो हमारे जो वेबिनार्स रहते हैं उसमें कॉमन मेडिसन्स के साथ साथ हम रेयर रेमेडीज के केसेस भी शेयर करते हैं। तो अभी अभी कल बहुत ही अच्छा एक सेशन हुआ है। तो अगर आप सभी हमारे रेस्पेक्टेड मेंटर्स की तरह कॉमन मेडिसन्स के साथ साथ रेयर मेडिसन्स को भी अपने क्लिनिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे सेमिनार्स के साथ, हमारे वेबिनार्स के साथ जुड़िए। और आज की डेट में ढेर सारी मेडिसन तो ऐसी हैं जो बोलने को रेयर है लेकिन उनके केसेस बहुत आते हैं हमारे पास, उनके पेशेंट बहुत आते हैं। तो अगर आप भी ऐसे केसेस को क्योर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे जो ऑनलाइन वेबिनार है उसको ज्वाइन कीजिए और उसके बारे में अपने नियर एंड डियर वंस को बताइए ज़रूर। तो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमें ज्वाइन करने के लिए मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से सर को वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी सर, एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून महादिक सर, कैसे हैं? बढ़िया है सर, आप कैसे हो? बस चल रहा है अपना, अपनी तो जैसे तैसे, चाहे ऐसे वा वैसे, कटते कट जाएगी। जाएगी आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमने ग्रुप में डाला था आज हमारे माधुरी पाटिल मैम बिजी थे तो वो अपना केस प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो हमने एक रूब्रिक करने का सोचा। तो ये जो रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर सनलाइट टू बी, तो ये एक ऐसा रूब्रिक है जिसको मनोज जायसवाल सर ने बहुत सारे केसेस में अप्लाई किया है। और इस रूब्रिक में जो मेडिसन्स हैं जैसे चॉकलेट है, रूटा है, स्पंजिया है, तो इन मेडिसन्स के सर के पास बहुत केसेस हैं। तो आज ये रूब्रिक उनसे हम सीखेंगे और आशा करते हैं कि हम सभी फिर अपने क्लिनिक में इस रूब्रिक को और इसमें जो मेडिसिन दी गई हैं उनको अप्लाई कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं सर। सो तो सबसे पहले तो मैं हमारे रेस्पेक्टेड मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो डॉक्टर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग इस रूब्रिक को जो लेकर है उनकी प्लीज वो शेयर करें। मैं बोलूं, गुड मॉर्निंग, गुड जी आफ्टरनून जी वेलकम मैम, वेलकम। सर। इसमें सन डिजायर लाइट फॉर सनलाइट, तो डिजायर लाइट तो अभी मालूम था लेकिन सनलाइट का मैंने सर ऐसे सोचा है जैसे कोई भी चीज क्लियर देखना होती है ना तो उसको अपन सनलाइट में ही देख सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल लाइट है। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए तो उसको बोलते हैं कि अपना किट जो है ना सनलाइट में रख के देखना, वो उसमें नेचुरल लाइट होता है और उसी में क्लियर पता चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंट जो है वो एकदम क्लियर डेप्थ में लाइट चाह रहा है, एकदम बहुत ही ब्राइट क्लियर क्लैरिटी के साथ, तो मुझे ये लगा सर। थैंक बहुत बढ़िया, जी, वेरी थैंक नाइस। यू मैम। और बताइए। और बताइए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, पहले तो थैंक यू मनोज सर, आपकी वजह से मुझे ये रूब्रिक समझा है। तो
सनलाइट मतलब क्या है कि जब सन आता है मॉर्निंग में तो वो अंधेरे को या डार्कनेस को मिटा देता है ना. सो यहाँ पे डार्कनेस मतलब या फ्राइट इसको ये करता है, मिटा देता है. तो पूरा मतलब फियर जाने के लिए हमें मतलब लाइट की जरूरत रहती है पेशेंट को. तो यहाँ पे पेशेंट एकदम क्लियर कट आइडिया चाहिए रहता है कि डिसीज का कोर्स क्या है या किस वजह से हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, फिर आगे की मेरी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये पूरी लाइन ऑफ मतलब उसका पूरा कोर्स वो जानना चाहता है. तो ऐसे मैंने समझा. थैंक यू. बहुत ज्यादा आपको लगेगा ना कि बहुत ज्यादा ही लाइट चाहिए इसको, बहुत ज्यादा ही कुछ पूछ रहा है. ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. मैम आपका नाम क्या है? आपका नाम सोनी करा था. मेघा. मेघा, हाँ आपने लिखा भी है, जब सन आता है मॉर्निंग में तो अंधेरे को डार्कनेस को मिटा देता है, क्लियर को भी मिटा देता है. बहुत अच्छा. जो डार्कनेस में लगता है वो इफ द पेशेंट वांट वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट द कोर्स ऑफ डिजीज और इन्वेस्टिगेशन दैट डॉक्टर इज डूइंग और ट्रीटमेंट विच is going to receive. बहुत बढ़िया लिखा है ये, एक बहुत अच्छा पेड है. डॉक्टर पूजा ने भी लिखा है, पूजा है. डॉक्टर पूजा मैम आप हैं क्या? नहीं सर. जी सर नमस्ते सर. हाँ नमस्ते. नमस्ते सर. जो लाइट डिजायर सनलाइट जब भी होता है ना, तो लाइट जब भी सनलाइट होता है तो वो डॉक्टर को बार बार वो पूछता है कि उसका कोर्स ऑफ मतलब क्या है उसका कोर्स, मतलब वो बहुत ज्यादा वॉर्न हो जाता है, मतलब वो बहुत कॉशियस हो जाता है. तो उस वो पूरा बहुत अच्छे से पेशेंट को पूछेगा कि मतलब ऐसे अगर एक डिजीज के बारे में उसको पता नहीं तो वो बोलेगा कि ये डिजीज मतलब ये डिजीज क्या है, अगर कोई मतलब ऐसे कोई डिजीज रिलेटेड रहेगा, अगर किडनी रिलेटेड कुछ ऐसे मेडिकल का सब टर्म उनको पता नहीं रहेगा अगर लेमेन होगा तो वो पूरा अच्छे से ये पूछेगा एक एक चीज मतलब बारीकी से वो पूछेगा, सो दैट कि वो फर्दर वो वॉर्न हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब के लिए वो पूरा एक क्लियर एक आइडिया रखेगा सर. वो ये मुझे लग रहा है ये सनलाइट होगा. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. सर मुझे लगता है सनलाइट तो क्या है, तो जब डार्क होता है तो क्या होता है कि डार्क में पूरा अंधेरा होता है, पेशेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है अपने साथ, क्या हो रहा है, तो वो कुछ भी मतलब देख नहीं पाता है, क्लियरली भी नहीं, इजीली भी नहीं देख सकता, पूरा डार्क है. लेकिन जैसे ही सन आता है ना तो सब कुछ क्लियरली दिखना चालू हो जाता है, तो कुछ भी इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं रहता. जैसे पूरा लाइट डिजायर में हम छोटा सा लाइट भी मिल गया किसी किसी पेशेंट को तो वो एकदम से बोलते कि नहीं ठीक है इतना ठीक है. लेकिन ये जो रूटा है, ये जो पेशेंट है ना, उनको पूरा क्लियरली होना मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं हो डिसीज के बारे में, कोई डाउट नहीं, एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी क्लियर. द सेम वे पेशेंट वॉन्ट्स एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियर अबाउट डिसीज अबाउट ट्रीटमेंट ये सब. तो उस टाइम मैं ये रूब्रिक लेती हूँ सर. बहुत बढ़िया डॉक्टर बैशाली, बहुत बढ़िया. और बताइए, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है. मुझे लगता है बहुत लोग अच्छा से समझते भी हैं इसको, सो इट्स वेरी नाइस. और नमस्ते सर. हाँ नमस्ते सर. हाँ सर, ये तो सारे लोगों ने बता ही दिया है. बाकी मुझे ये लगता है कि सूर्य के प्रकाश का मतलब सनलाइट का मतलब है कि द बेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट. तो इसी तरीके से इसका पेशेंट जो है वो शायद जब भी कंसल्ट करता है अपनी किसी चीज के लिए तो वहां बेस्ट के पास ही जाना चाहता है. यस, ये ऐसा मुझे ये भी लगता है थोड़ा सा सर इस मामले में कि सनलाइट का मतलब ये भी होता है कि शायद वो बेस्ट के पास ही जाना चाहता है अपनी कंप्लेन के लिए, तो अपने बेस्ट डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं जो उसकी नॉलेज में है. तो इस तरीके से भी इसको थोड़ा सा लिया जा सकता है सर. यस, बहुत सही. और कुछ सेड है किसी के पास? बहुत बढ़िया सर. सर गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. हाँ बोलिए सर. जो रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर सनलाइट, तो सर लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूब्रिक इज denotes light desire, which itself is a rubric, है ना? Light desire भी एक rubric है already. तो light desire for sunlight means light तो है, light desire में light तो है, but वो sufficient नहीं है उसके लिए.
तो अदर पार्ट ऑफ द रूब्रिक इज फॉर सनलाइट, मतलब और चाहिए उसे जो है उतनी लाइट सफिशिएंट नहीं है, एंड ही इज द पेशेंट इज डिजायरिंग. हेलो हाँ 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 हेलो बहुत अच्छा बता रहे हैं. हाँ हेलो हाँ आ रही आवाज. पेशेंट मतलब जी जी सर, तो लाइट तो है, लाइट है, लेकिन वो उसके लिए उसे सफिशिएंट नहीं लग रही है, इसीलिए वो और लाइट चाह रहा है. देयरफॉर द अदर पार्ट ऑफ द रूब्रिक इज जॉइंट फॉर सनलाइट. तो ये दो चीजें हैं, लाइट डिजायर फॉर सनलाइट, मुझे ऐसा लगा. यस सर मैं बोलूं. थैंक यू सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. ये जो रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर सनलाइट, इसमें मुझे भी यही लगता है कि जैसे जहां अंधेरा है उसके पास, चाहे वो पूरा अंधेरा नहीं है पर पूरी तरह से रोशनी भी नहीं है, वहां उसको इच्छा है कि लाइट मिले उसे. और लाइट डिजायर फॉर सनलाइट मतलब जहां पर थोड़ा सा एक आजादी नहीं है या फिर एक डोमिनेशन है, सप्रेशन है कहीं ना कहीं, तो उसके उसमें यूज लिया जाएगा ये लाइट डिजायर फॉर सनलाइट की. उसको एक लाइट की इच्छा है, सनलाइट की इच्छा है, ओपन ओपन उसमें जाना है, रोशनी देखनी है. बहुत बढ़िया. तो क्यों जाना है थोड़ा सा ये उसकी बीमारी का हो, अपनी बीमारी पे प्रकाश डालना हो या फिर और किसी चीज पे प्रकाश डालना हो, तो वो सनलाइट की डिजायर है वहां उसको. बहुत बढ़िया मैम, थोड़ा सा इसमें मैं और आप आगे जा सकती हैं. जैसे आपने अभी बताया ना, बहुत बढ़िया बताया कि बीमारी के बारे में जानना हो, तो बीमारी के बारे में क्यों जानना चाहेगा, क्या करेगा वो बीमारी के बारे में जानना. आप अपने पे सोचिए, आप यदि किसी के पास जाएंगे आप बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे क्या है नहीं है, व्हाई पेशेंट, क्योंकि वो उस सही ट्रैक पे जाके ठीक होना बीमारी. यस वो ना सर अगर कहेंगे ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, मुझे इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि सर मेरे पास हाँ फीवर की पेशेंट आई थी, उसको बहुत टाइम से फीवर था, तो उसने सिम्टम्स नहीं दिए. पहले आके मुझे बोला कि आप मेरी पूरी जांचें करवाइए, मैं जानना चाहती हूँ कि ये मतलब क्यों हो रहा है, इतने टाइम से मुझे फीवर क्यों बना रहता है, तो मुझे पूरी जांचें चाहिए. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिट होगा ये रूब्रिक. आपने क्या दिया था उस पेशेंट को? सर मैंने उसके सिम्टम्स लिए थे तो स्ट्रैमोनियम दिया था उसको, 14 साल पुराना फीवर था, उसको सर 80% रिलीफ हो गया है. बहुत बढ़िया, थैंक यू सर. इसलिए मैं आपको लगा मुझे आपकी बातों से कि आपको आपने इसका यूज किया है. बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. जी सर. और इनपुट्स आएंगे बताइए. नमस्ते सर. मनोज सर. हाँ नमस्ते नमस्ते. हाँ सर यहाँ पे रूब्रिक है डिजायर टू बी डिजायर सनलाइट टू बी इन, मतलब उसको सनलाइट में ही रहना है, किसी तरह का कोई शंका या उसमें संदेह नहीं है, रहना है तो सनलाइट. और सनलाइट क्या है, ये सन मतलब गॉड, मतलब एक फिगर है ना, हम उसको बहुत हाईएस्ट सोर्स मानते हैं लाइट के, इसमें इन लाइटिंग में, तो उसमें कोई संशय नहीं है. अगर सनलाइट में अगर आप कुछ चीजें देखते हैं तो, और वो उसमें ही निरंतर रहना चाहता है, उसको कोई कैंडल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट वो सब नहीं चाहिए भाई, जो सोर्स चाहिए वो पक्का रहना चाहिए, जो यूनिवर्सल मान्य है, ऐसी चीजें. तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके का पेशेंट का रहेगा जिसमें कि उसे कोई गुंजाइश नहीं चाहिए, इसलिए ऐसी चीजें जो बहुत रिलायबल हो वहां पे ही जाना ज्यादा पसंद करेगा, जैसे स्पेशलिस्ट होते, सुपर स्पेशलिस्ट ऐसे. यस यस बहुत बढ़िया. हेलो सर मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल. सर जैसे हम लोग स्पेशली फीमेल्स जाती हैं कुछ मैचिंग करने के लिए, कुछ सूट के साथ अपने दुपट्टा मैच करना है, तो वहां पर भी शॉपकीपर ने तो लगाए होते हैं आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई होती हैं, बट स्टिल हमारी कोशिश होती है कि नहीं बाहर सनलाइट में ही उसको मैच करें, बिकॉज जो सनलाइट स्पीक करेगा मैचिंग के मामले में वो उसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है.
तो बाहर आकर अगर आपकी तसल्ली होती है कि भी हाँ बाहर की नेचुरल सनलाइट में भी वो मैच कर रहा है, तो फिर आपका मन बैठता है कि हाँ दिस इज द राइट कलर। तो मतलब सनलाइट मीन्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटस। अब इसमें तीन मेन मेडिसिन हैं, चॉकलेट, रूटा एंड स्पॉन्जिया। तो रूटा का थोड़ा सा मेरे को आइडिया है कि रूटा इज़ वेरी पेडेंट पर्सन और मेकिंग मैनी प्लान्स। तो वो पहले से, जैसे मान लो अगर पेट में दर्द हुआ है और कुछ एक दो दिन से चल रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि पहले मैं अच्छे से अल्ट्रासाउंड करवा लूँ, फिर मैं देखूंगा कि किसी सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना है कि कैसे उसको मैनेज करना है। सो ये दैट्स व्हाई ही वांट्स टू बी इन द सनलाइट, कि अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके अकॉर्डिंगली आई विल प्लान कि मैंने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। सर आप म्यूट हैं शायद। हाँ आपने रूटा का बहुत अच्छा सेट दिया कि रूटा जो है इस वजह से करता है क्योंकि उसकी प्लानिंग तगड़ी होती है। तो प्लानिंग करने के लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, अच्छी तरह से पता होगी तभी आप प्लान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेट दिया। और मैचिंग का बढ़िया बताया मैम और किसी का इनपुट बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा बता रहे हैं, मुझे सीखने को मिल रहा है, मुझे सीखने का लालच मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जहां मैं सीखूंगा आज आप लोगों से। तो बताइए सर भाई चॉकलेट का कैसे होगा लाइट डिजायर सनलाइट? मुझे लगता है कि वो इतनी लाइट रहती है कि मतलब उसे एकदम से ही लाइट रहना है, जैसे बेलाडोना लाइट रहता है ना, बेलाडोना का लाइट हम लाइट ही लेते हैं, मतलब वो एकदम लाइट है। तो मुझे लगता है चॉकलेट में ये नहीं आएगा कि उसको डिसीज से लेके कोई प्रॉब्लम है, उसको वही लाइट ही लेना है, फ्री रहना है, जैसे कि एकदम फ्री हो, ऐसे कुछ ले सकते हैं चॉकलेट में। आपने लगता है चॉकलेट यूज किया, आपकी बातों से लग रहा है मुझे। और कोई सर कौन सा रूबी? सर लाइट डिजायर टू बी इन सनलाइट ना सर रूबरी। हाँ लाइट डिजायर टू बी सनलाइट। सर अभी कुछ दिन पहले केस देखा था मैंने, तो हाँ। वो पेशेंट मोबाइल में उसकी उसके बटक रीजन पे साइड में पेनिस के रीजन पे स्किन रिंग वॉर्म था, तो उसने लाकर मुझे फोटो दिखाया कि डॉक्टर साहब देखो ये मुझे ऐसा बिल्कुल गोल गोल उंगली से बता के बताया कि देखो मुझे ये रिंग वॉर्म हो रहा है। फिर उस मोबाइल को मेरे सामने रख के उसने उसको और जूम किया, देखो सर बीच में ये लाल लाल ये क्या है ये बताइए मुझे। तो मैंने वहां ये कंसिडर किया था लाइट डिजायर टू इन सनलाइट, उसको और क्लियर चाहिए, ज़ूम करके दिखाया उसने कि डॉक्टर ये क्या चीज़ है। ऑलरेडी हमको लगता है गूगल से मालूम करके आया ही होगा, आजकल सारे पेशेंट गूगल में मालूम करके फिर पहुंचते हैं और फिर हमारी टेस्टिंग हो जाती है। हाँ और बहुत से पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब सोनोग्राफी तो हो गई है, एक्सरे भी एमआरआई करवा देख ले क्या और बारीकी से पता चल जाएगा अपने को किसमें क्या है। यस मतलब उनको और बारीकी से और क्रिस्टल क्लियर देखना होता है इस रूब्रिक के जो पेशेंट है चॉकलेट या स्पॉन्ज वगैरह जो होते हैं। बहुत बढ़िया क्रिस्टल क्लियर वाली बात है क्योंकि सनलाइट में एकदम सब कुछ साफ साफ दिखता है, उससे ज्यादा बड़ी रोशनी और कुछ हो नहीं सकती है ना जी। वो अल्टीमेट एकदम जी जी थैंक यू बहुत बढ़िया। और ने बहुत अच्छा बताया, और कोई बताइए आप लोग, जितना आप बोलेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा मुझे लगता है, फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। हाँ बताइए
और किसको क्या, और अपनी बताइए क्या क्या हो सकता है सर? इसका मीनिंग ये भी हो सकता है क्या, जैसे सनलाइट वो होती है जैसे चढ़ते सूरज को सब नमस्कार करते हैं ना, बोलते हैं ना, जैसे एक जीत की निशानी होती है, जैसे किसी परफॉर्मेंस में वगैरह, तो किसी फील्ड में वो एक टू बी इन सनलाइट, मतलब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और ऐसा होना चाहता है कि उसको लगे कि वो जहां रहे तो चार्मिंग, मतलब ऐसा कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे चॉकलेट है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत नया सोच आपने दिया है, वेरी नाइस, थैंक यू सर। मैं चॉकलेट का थोड़ा एग्जांपल ऐड करूं? हाँ हाँ जी सर, वेलकम। हाँ, मेरे पास एक चॉकलेट का केस था, वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पुणे में एडमिशन लिया वो बंदे ने, ये एकलौता बेटा था, इसके माँ बाप हाईस्कूल टीचर थे, मतलब टीचर थे फिर भी उनको पेमेंट तो बहुत बढ़िया था, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बढ़िया थी, लेकिन आपको तो मालूम है हाई स्कूल टीचर्स थोड़े कंजूस रहते ही है, थोड़े ना थोड़े ये टीचर लोग। तो उसका कहना क्या था कि जब तक मैं 12th था कराड़ में, कराड़ से एकदम छोटा सिटी है पुणे के मामले में, पुणे तो थोड़ा आगे का हो गया ना, तो वहां पे जाने के बाद उसने देखा कि उधर के इंजीनियरिंग के सीनियर्स है वो वुडलैंड के शूज पहनते है, 3,000 का रेमंड का टी शर्ट लेते, तो वो देख के इसका सर चकरा गया और ये हुई जीत पे आड़ा कि मेरे को भी वैसा ही चाहिए। तो उसको ये सब क्यों करना चाहिए था मैंने पूछा, तो बोला सब वो लड़कियां सब उनकी तरह भी देखते जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड शूज पहनते, तो मेरे पास भी देखना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे ये उसका सनलाइट डिजायर लगा था, मैंने उसको चॉकलेट दिया था। बहुत बढ़िया, ये बंदा इतना एंग्री था ना, बाप ने पैसे नहीं दिया तो इसने वॉश बेसिन उखाड़ के फोड़ा था, और इस्त्री गरम नहीं हुआ प्रेस करते टाइम पे, इस्त्री थोड़ा लेट गरम हुआ तो इस्त्री पटक दिया और फोड़ दिया इस्त्री। माय गॉड, ऐसा एंग्री बच्चा था वो चॉकलेट से कंट्रोल हो गया वो। तो ये भी सनलाइट है ना उसका कि मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। कोई पेशेंट ऐसा भी बोल सकता है कि एवरीवन शुड लुक एट मी, आई शुड बी इन लाइमलाइट, आई शुड बी इन सनलाइट। यस परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मार्टिन सर।